Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. Last videos में हमने आपको extra 8.1 finish कराई थी. आज चलते हैं आपके next exercise 8.2 की ओर. लेकिन उससे पहले हमें सीखना होगा कुछ important terms. जिसमें हमने लिया है जनरल एंड मिडिल टर्म्स, यानी हमारी एक्सरसाइज 8.2 है विच इज डिपेंड ऑन द जनरल एंड मिडिल टर्म्स. तो जानते हैं जनरल टर्म क्या होता है. जैसा कि हम पहले से बायनोमियल थ्योरम के बारे में पहले सीख चुके हैं, तो मैंने एक्सप्रेशन ए प्लस बी रेस टू दी पावर एन, इसको हम बायनोमियल टर्म कहते हैं. बायनोमियल टर्म का एक्सपेंडेशन ही बायनोमियल थ्योरम कहलाता है. अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या मिलता है, एन सी जीरो ए टू दी पावर एन, एन सी वन ए टू दी पावर एन माइनस वन प्लस एन टू बी, प्लस एन सी टू ए टू दी पावर एन माइनस टू इन टू बी की पावर टू, प्लस डॉट डॉट डॉट. ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, एन सी थ्री एन सी फोर एन सी फाइव ऐसे होता चला जाएगा. इसी तरह से आगे एन सी आर ए टू दी पावर एन माइनस आर बी टू दी पावर आर प्लस डॉट डॉट डॉट. एन सेकेंड लास्ट एन सी एन माइनस वन ए इन टू बी टू दी पावर एन माइनस वन एंड एन सी एन बी टू दी पावर एन. दिस इज अवर बायनोमियल बायनोमियल यानी एक्सपेंडेशन ऑफ द बायनोमियल टर्म ए प्लस बी प्लस टू द पावर एन बाय द बायनोमियल थ्योरम. बायनोमियल थ्योरम के द्वारा ये हमारा एक्सपेंडेशन है. अब बात आती है जनरल टर्म की, बात आती है. जैसा कि हम जानते हैं किसी भी जो एक्सप्रेशन आप देखेंगे, अभी हमने जो देखा ये जो बायनोमियल एक्सप्रेशन है, अगर पहले टर्म की बात कही जाए तो एन सी जीरो है, राइट. यानी जीरो का मतलब ये जो जीरो टर्म है, एन सी जीरो का मतलब ये पहला टर्म है, राइट. जब फर्स्ट टर्म है तो जीरो आता है, सेकंड टर्म है तो वन आता है, और थर्ड टर्म है तो टू आता है. यानी जब यहाँ जीरो है तो फर्स्ट टर्म है, जीरो है तो फर्स्ट टर्म है, वन है तो सेकंड टर्म है, टू है तो थर्ड टर्म है, थ्री है तो फोर्थ टर्म है, ऐसे एन है तो एन प्लस वन टर्म है, राइट. तो अगर यहाँ एन है तो एन प्लस वन टर्म है. जैसा आप जानते हैं किसी भी बायनोमियल एक्सपेंडेशन में जो उसकी इंडेक्स होती है उससे एक ज्यादा टर्म होता है, राइट. अगर उसकी पावर टू है तो उसमें थ्री टर्म होंगे, थ्री है पावर तो हमारा फोर टर्म होंगे, यानी एक टर्म ज्यादा होता है. ठीक उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं, ये फर्स्ट टर्म यानी जीरो है तो फर्स्ट टर्म है, जीरो का मतलब फर्स्ट टर्म है, वन है तो सेकेंड टर्म है. तो कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ पर जो ये टर्म होता है वो टी आर प्लस वन होता है. अगर यहाँ पर जीरो को आर मान लें तो टर्म नंबर ऑफ टर्म होगा वो आर प्लस वन होगा. अगर जीरो को आर मान लेते हैं तो आर वन मान लेते हैं तो ये सेकंड टर्म क्या हुआ, वन है तो सेकंड टर्म. बात इसकी आ रही है, अगर आपका आर इक्वल टू जीरो तो नंबर ऑफ टर्म हमारा कौन सा, फर्स्ट. ठीक है, आर इक्वल टू टू नंबर ऑफ टर्म टू, यानी इट कैन बी एक्सप्रेस जीरो प्लस वन, इट कैन बी एक्सप्रेस वन प्लस वन. अगर r इक्वल टू टू है तो हमारा एक टर्म है थ्री है, थ्री कैन बी एक्सप्रेस टू प्लस वन. ऐसे अगर r इक्वल टू थ्री है तो नंबर ऑफ टर्म हमारा कौन सा है, फोर्थ है, और फोर कैन बी एक्सप्रेस थ्री प्लस वन. यानी जो हमारा ये टर्म है, ऐसे अगर हम ये r इक्वल टू r ले लेते हैं तो हमारा जो टर्म बनेगा वो r प्लस वन होगा. कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा जो टर्म होता है वो टी आर प्लस वन टर्म होता है. यानी जो हमारा जनरल टर्म की बात कही जाए, किसी पर्टिकुलर बात टर्म की बात कही जाए, तो वो जो हमारा एनसीआर जो होता है, एनसीआर से एक टर्म आगे का टर्म होता है. जैसे एनसी जीरो है तो ये पहला टर्म एक टर्म आगे हो गया फर्स्ट, अगर एनसी वन है तो दूसरा टर्म तो दो वन प्लस वन हो गया, एनसी टू है तो तीसरा टर्म तो आर टू प्लस वन हो गया. ऐसे ही हमारा जो जनरल टर्म होता है वो क्या होता है, टी आर प्लस वन होता है. और टी आर प्लस वन को हम लिखते हैं एनसीआर. भाई यहाँ आर प्लस वन है तो यहाँ एनसीआर कम हो जाएगा, एनसीआर ए टू दी पावर एन माइनस आर. जैसे आप देखते हैं एन माइनस वन होता है, जो यहाँ होता है वो यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ बी की पावर आर, जो यहाँ पर पावर होती है वो बी की पावर होती है, वन है तो वन, जीरो है तो बी की पावर जीरो, और टू है तो बी की पावर टू होगी. इस तरह से हमारा जनरल टर्म फॉर द बायनोमियल थ्योरम होता है टी आर प्लस वन इक्वल टू एनसीआर ए टू दी पावर एन माइनस आर इन टू बी टू दी पावर आर. दिस इज अवर जनरल टर्म फॉर द बायनोमियल एक्सप्रेशन ए प्लस बी रेस टू दी पावर एन, नोन एज द जनरल टर्म ऑफ बायनोमियल थ्योरम. ओके, आफ्टर दैट इन रिगार्डिंग टू द मिडिल टर्म्स, अगर मिडिल टर्म की बात कही जाए तो क्या होगा. जैसा कि आप जानते हैं किसी भी बायनोमियल एक्सप्रेशन में
जितनी उसकी इंडेक्स होती है, पावर होती है, उससे एक ज्यादा टर्म होता है, राइट। अगर मान लीजिए पावर वहां पर 1 है तो उसमें जो टर्म होंगे वो 2 होंगे, अगर पावर 3 है तो उसमें टर्म कितने होंगे, 4 होंगे, अगर उसमें पावर 4 है तो हमारे टर्म 5 होंगे, एक टर्म ज्यादा होगा, राइट। अब मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म एन ए प्लस बी रेस्ट टू दी पावर एन आर एन प्लस 1, इसकी पावर एन है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म एन प्लस 1 होंगे, राइट, एक ज्यादा होगा। इस तरीके से इफ एन इज ऑड, मान लीजिए एन जो है वो ऑड पावर है तो एन प्लस 1 क्या होगा, अगर एक ऑड में 1 प्लस कर दे तो क्या बन जाता है, इवन बन जाता है, राइट। इस तरीके से एन प्लस 1 इज इवन, देन देयर विल बी 2 मिडिल टर्म्स। जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, हमने मीडियन वाला कांसेप्ट क्लास 10th में पढ़ा था, तो उसमें 10th में और 9th में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है, अगर नंबर ऑफ टर्म इवन होते हैं तो देयर आर 2 मिडिल टर्म्स होते हैं, 2 मिडिल टर्म होते हैं, ठीक उसी तरह से देन देयर विल बी 2 मिडिल टर्म्स, वन ऑफ देम एन प्लस 1/2, यानी जस्ट उसका हाफ हो जाएगा, एन प्लस 1/2 से टर्म हमारा एक होगा, दूसरा एन प्लस 1/2, क्योंकि अगर एन है तो एन वाई टू प्लस 1 होता है, एन प्लस 1/2 होता है, ठीक है एन वाई एक सीधे सीधे एन वाई टू हो जाता है और एक एन वाई टू प्लस 1 होता है। अब हमारा क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म एन प्लस 1 है तो एन प्लस 1/2 हो जाएगा और दूसरा एन प्लस 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, दो हमारे मिडिल टर्म हो जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है सेकंड कंडीशन में, इफ एन इज द इवन नंबर, इफ एन इज इवन देन एन प्लस 1 इज ऑड, राइट, ऑब्वियसली अगर आपका एन आपका इवन है तो एन प्लस 1 ऑड हो जाएगा, और ऑड हो जाएगा तो ऑड का केवल ओनली 1 मिडिल टर्म होता है, सो देन द मिडिल टर्म इज एन प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2, दैट इज, सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, एन वाई टू 2 अपॉन 2, दैट इज एन वाई टू प्लस 1 अपॉन प्लस 1 आ जाएगा, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा एन प्लस 2 ओवर 2, दिस इज एन अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 2, सो इट विल बी एन अपॉन 2 प्लस 1 बिकॉज 2 कैंसिल विद 2, दिस इज एन वाई टू प्लस 1 से टर्म हमारा, यानी जब हमारा नंबर ऑफ इवन नंबर होगा, एन जब इवन होगा तो हमारा जो मिडिल टर्म होगा एन वाई टू प्लस 1 होगा, राइट। आगे तो दिस इज द मिडिल टर्म्स एंड दीज आर द जनरल टर्म, ये हमारा जनरल टर्म हो गया और ये हमारा मिडिल टर्म कब होगा, जब हमारा एन ऑड होगा तो ये 2 मिडिल टर्म मिलेंगे, जब एन इवन होगा तो हमारे 1 मिडिल टर्म मिलेगा एन वाई टू प्लस 1। After that, your exercise 8.2, in which we have to find the coefficient of, पहला ही क्वेश्चन है ऐसा है, 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, find the coefficient of x to the power 5 in x plus 3 raised to the power 8, यानी x plus 3 raised to the power 8 में x to the power 5 का आपको coefficient बताना कितना है। तो पहले हम ये पता करें x to the power 5, x to the power 5 किस टर्म में आता है, ठीक है। So we will assume that let x to the power 5 occur in r plus 1th term of x plus 3 x to the power 8. As we know that since t r plus 1 of t r plus 1 of a plus b raised to the power n equal to ncr a to the power n minus r into b to the power r, right, therefore tr plus 1 of x plus 3 raised to the power 8 equal to क्या हो जाएगा आपका, जहां n है वहां पर 8 आ गया, 8cr, ठीक है, a की जगह x आ गया, x की पावर n minus यानी 8 माइनस आर इंटू बी टू दी पावर, यानी बी की जगह क्या हमारा 3 है, 3 टू दी पावर आर, राइट। अब कंपेयर विद इंडिसेस ऑफ, यानी ये इसमें है, मान लिया कि इस टर्म में ये x की जो पावर है वो इसके इक्वल है, ठीक है, इसके r प्लस 1 टर्म में, अब देखेंगे देयरफॉर जो x की पावर 5 है वो क्या है, x की पावर 8 माइनस आर है, देयरफॉर x की पावर 5 इक्वल टू x टू द पावर 8 माइनस आर, राइट। हमने जैसे कहा था लेट x प्लस x टू द पावर 5 ऑकर इन x r प्लस 1 टर्म ऑफ दिस टर्म,
यानी जो हमें एक्सप्रेशन दिया है उसकी आर प्लस वन टर्म में ये है, ऐसा मान लिया हमने ये आर प्लस वन टर्म में है, कौन एक्स प्लस फाइव है, यानी एक्स का जो टर्म है एक्स वाला टर्म वेरिएबल वाला वो एक्स प्लस फाइव के ऊपर हो, राइट। इस तरीके से हमारा हम सीधे सीधे इसके इंडेक्स को भी कंपेयर ले सकते हैं, फाइव इक्वल टू ये हमने क्या किया है कि इस टर्म को ही मान लिया पूरा, ये जो टर्म है हमारा इस टर्म को ही हमने मान लिया कि एक्स की पावर फाइव है, राइट। तो इस तरीके से हमारा इसको हमने लिया एक्स प्लस फाइव इक्वल टू एट माइनस आर इम्प्लाइज दैट फाइव इक्वल टू एट माइनस आर, आर कर लाइए फाइव उधर भी दीजिए, आर इक्वल टू एट माइनस फाइव कट्स वाई आर इक्वल टू हो गया आपका थ्री, बट वी हैव टू फाइंड द कोफिशिएंट नॉट वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू नहीं निकालनी है हमें, कोफिशिएंट निकालना है, तो कोफिशिएंट ऑफ देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर फाइव इक्वल टू, यानी इस टर्म को छोड़ करके वो सब कोफिशिएंट है एट सी आर इंटू थ्री टू दी पावर आर, आर की वैल्यू लगा दीजिए इसमें एट सी थ्री और थ्री टू दी पावर थ्री, राइट। आगे सॉल्व करते हैं इसको, एट फैक्टोरियल ओवर थ्री फैक्टोरियल फाइव फैक्टोरियल मल्टीप्लाई थ्री थ्री का थ्री पावर थ्री का उधर 27। आगे सॉल्व करते हैं इसको तो जाएगा एट मल्टीप्लाई सेवन मल्टीप्लाई सिक्स मल्टीप्लाई फाइव फैक्टोरियल ओवर थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई फाइव फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 27। फाइव फैक्टोरियल कट गया, थ्री टू या सिक्स कट गया, आपका क्या बचा वो देख लीजिए एट सेवन या 56 और 27 फाइव या 135, राइट। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए वही आपका आंसर आ जाएगा 56 और 26 सॉरी फाइव तो कट ही गया यहाँ पर ही, फाइव नहीं है यहाँ पर केवल 27 है, और इसका जब मल्टीप्लाई कर लेंगे 56 का और 27 का तो आपको मिलेगा 1512, यानी दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन द एक्सप्रेशन ऑफ x प्लस 3 x टू द पावर n। सिमिलरली दिस वन इज आल्सो यू हैव टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ e टू द पावर 5 e टू द पावर 7 इन द एक्सप्रेशन ऑफ दिस, इसमें सेम उसी तरीके से एज्यूम कर लेंगे लेट a टू द पावर 5 e टू द पावर 7 अपर n आर प्लस वन टर्म, ठीक है आर प्लस वन टर्म सिंस टी आर प्लस वन ऑफ ए प्लस बी रेस्ट टू दी पावर एन इक्वल टू क्या होता है जनरल टर्म एन सी आर ए टू दी पावर एन माइनस आर इन टू बी टू दी पावर आर, राइट। देयरफॉर टी आर प्लस वन ऑफ ए माइनस टू बी 12 इक्वल टू 12 सी आर और ए टू दी पावर 12 माइनस आर इंटू माइनस टू बी प्लस टू दी पावर आर, ये आपको दिया हुआ है ए माइनस टू बी। अब हमें इसका कोफिशिएंट फाइंड करना है तो देखेंगे आप ए की पावर को ले लीजिएगा ए की पावर 5 और ए की पावर ये है, देयरफॉर ए टू दी पावर 5 इक्वल टू ए टू दी पावर 12 माइनस आर इम्प्लाइज दैट 5 इक्वल टू 12 माइनस आर, आर इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 12 माइनस 5, दैट्स वाई आर इक्वल टू हो गया 7, आर इक्वल टू 7 हो गया। अब आर इक्वल टू 7 है तो इन सब के कोफिशिएंट लिख दीजिएगा, हमें इसका कोफिशिएंट चाहिए बी की पावर 7 इसे सॉल्व करेंगे 12 सी आर ए टू दी पावर 12 माइनस आर माइनस टू की पावर आर इंटू बी की पावर सेवन, ठीक है बी की पावर आर सॉरी। अब हमें चाहिए इसका कोफिशिएंट, अगर आपने देखेंगे आर की जगह सेवन रखते हैं तो ए टर्म आ जाएगा ए की पावर 5 बी की पावर सेवन इसमें आ जाएगा ना, कोफिशिएंट ऑफ देयरफॉर
coefficient of a to the power 5 b to the power 7 equal to 12 c r 12 c r और माइनस इनटू 2 टू द पावर माइनस 2 टू द पावर r वैल्यू रख देंगे तो इसे 12 c 7 और माइनस 2 टू द पावर 7 ठीक है माइनस 2 7 ऑड नंबर है तो माइनस चिन्ह आ जाएगा सामने नेगेटिव वैल्यू आएगी 12 c फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल 12 माइनस 7 5 हो गया इनटू 2 टू द पावर 7 हो गया आगे से सॉल्व करते हैं तो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इनटू 2 टू द पावर 7 इंटू टू टू दावर 7 अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे और ये मान से नहीं है यहां कुछ कट जाएंगे आपके देखिए 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट गया ठीक है 5 से 10 टू टाइम कट गया ठीक है 4 से 8 टू टाइम कट गया ठीक है और ये 2 से ही 2 कट गया ठीक है ये 3 से 3 कट गया 3 टाइम कट गया अब हमारा कितना बचा इन सब का आप मल्टीप्ली करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा माइनस 12 11 2 3 और 7 2 टू द पावर 7 इन सब का मल्टीप्ली कर लेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 10 13 76 माइनस का 10 13 76 आंसर को सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा 10 13 76 यानी दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ ए टू द पावर 5 बी टू द पावर 7 इन द ए माइनस बी 2 ए माइनस 2 बी रेस्ट टू द पावर 10 आफ्टर दैट और क्वेश्चन नंबर 3 in which we have to write the general term in the general term in the expression of in this expression ki aapko general term aapko likhne pehla aapka x square minus y to the power 6 ab jaise aap dekhenge general term of since a plus b raised to the power n इसका हमारा जनरल टर्म क्या होता है पी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर ए टू दी पावर एन माइनस आर बी टू दी पावर आर राइट ऐसे ही जनरल टर्म ऑफ दिस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई टू दी पावर सिक्स इक्वल टू टी आर प्लस वन इक्वल टू सिक्स सी आर जहाँ एन है वहां पर हमारा क्या सिक्स है यहाँ पर सिक्स है जहाँ एन है एन वहां पर सिक्स है फिर एक जगह सिक्स आ जाएगा सिक्स सी आर और एक जगह क्या है आपका एक्स स्क्वायर एस टू दी पावर एन सी आर एक्स स्क्वायर एस टू दी पावर सिक्स जैसे आपका ये n माइनस आर आ रहा है ऐसे 6 माइनस आर आ जाएगा ठीक है 6 माइनस आर और इन टू बी बी की जगह क्या माइनस वाई एस टू दी पावर आर ये हमारा जनरल टर्म हो गया ऑफ फंक्शन इसका जनरल टर्म हो जाएगा जैसे ये हमारे लिखा 6 सी आर एक्स टू दी पावर 2 एक्स टू दी पावर 6 माइनस आर और माइनस वाई ठीक है आप चाहो तो इसको और एक्सपेंड कर सकते हो थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे इसको तो क्या हो जाएगा हमारा ये सिक्स सी आर
x टू पावर 2 पर मल्टीप्लाइड 12 माइनस 2r और माइनस से निशेष बाहर निकाल दीजिए, ये सामने लिख दीजिए माइनस 1 टू दी पावर r इंटू बाई टू दी पावर r, ये हमारा इसका जनरल टर्म हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमें इसका जनरल टर्म लिखना है, सेम है, सिंस जनरल ऑफ ए प्लस बी टू दी पावर एन इक्वल टू टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर ए टू दी पावर एन माइनस आर इंटू बी टू दी पावर आर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे क्या हो जाएगा, देयरफॉर जनरल टर्म ऑफ एक्स टू दी पावर 12 और एक्स माइनस बाई टू दी पावर 12 हमारा ये तो एक्स पावर 12 तो 12 ही रहेगा, इसमें तो कुछ कम ज्यादा होना नहीं, एक्स टू दी पावर 12 इंटू चेंज होगा तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसका तो मल्टीपल प्रत्येक टर्म में हो जाएगा, तो एन सी एन की जगह आपका 12 आ जाएगा, 12 सी आर और x टू दी पावर 12 माइनस आर इंटू माइनस बाई टू दी पावर आर। राइट, माइनस वन बाहर निकाल दीजिए इसको, माइनस वन टू दी पावर आर इंटू 12 सी आर, एक्स बार 12 से मल्टीपल करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बार 24 हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे एक्स टू पावर 24 माइनस आर और बाई टू दी पावर आर, दिस इज द जनरल टर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, माइनस वन टू दी पावर आर 12 सी आर एक्स टू पावर 24 माइनस आर और बाई टू दी पावर आर। DAX Tutorials presents online interactive live classes, mobile number 8279452537. Here question number 5, in which we have to find the fourth term of the expansion of x minus 2y raised to the power 12. And x minus 2y raised to the power 12 में fourth term निकालना, it means t4 point निकालना है. वैसे आप general term of क्या होता है? Since tr plus 1 equal to ncr ए टू दी पावर एन माइनस आर एन टू बी टू दी पावर आर, सेम उसी तरीके से अगर टी फोर को आप लिखते हैं इट विल बी टी फोर कैन बी एक्स प्लस टी थ्री प्लस वन। राइट, तो जहां आर है वहां पर क्या आ जाएगा, आपका थ्री आ जाएगा, जैसे एन की जगह कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एन इक्वल टू 12 हो गया, तो हम यहां रखेंगे 12 सी थ्री। राइट, एक जगह क्या आएगा आपका x, x की पावर 12 माइनस 3 इंटू बी, बी की जगह माइनस 2y रेस्ट टू दी पावर r, r की पावर कितनी आएगा आपका 3। आगे सॉल्व कर देंगे इसको, हमारा फोर्थ टर्म आ जाएगा, एस वी हैव टू फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन, फोर्थ टर्म वाला सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा 12 सी थ्री, 12 सी थ्री को आप सॉल्व कर देंगे कितना हो जाएगा, 12 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, 12 माइनस 3 9 हो जाएगा, ये x टू दी पावर 12 माइनस 3 का मतलब 9 हो गया, इंटू इसका हो जाएगा माइनस 8 बाई टू दी पावर 3। राइट, इसके बाद आगे एक्सप्रेशन बढ़ाते हैं, ये 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल ओवर 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल और ये आपका x टू दी पावर 9 ब्रैकेट 8 माइनस का 5 टू दी पावर 3। आगे बढ़ते हैं, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कट जाएगा आपका, तो ये आपका 2 3 या 6 6 2 या 12 हो गया। आगे सॉल्व करते हैं, 11 2 या 22 220 मल्टीप्लाई 220 x की पावर 9 मल्टीप्लाई सॉरी ब्रैकेट में लिख दीजिए माइनस 8 5 टू दी पावर 3, इस तरह आपका माइनस से बाहर आ जाएगा 8 0 का 0 फिर टू 16 117 1760 x टू दी पावर 9 इंटू बाई टू दी पावर 3, दिस इज द
fourth term of the given expression. Same as in which we have to find 13th term. So it says general term P R plus 1 equal to क्या होता है NCR into the power N minus R into B to the power R. इस तरीके से हमारा therefore T 13 it can be P 12 plus 1. So R की जगह हो गया 12 और N की जगह हो गया आपका 18. Equal to क्या हो जाएगा 18 C 12 और A A की जगह क्या है 9X equal to the power N minus R and 12 minus N की जगह 18 sorry 18 minus 12 into B B की जगह क्या है minus 1 upon 3 root X equal to the power R R की पावर बिना 12 ठीक है आगे सॉल्व करते हैं इसको 8 C 12 को सॉल्व करिए आप कितना होगा 18 फैक्टोरियल ओवर 12 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एन एक्स एक्स टू दी पावर 6 इनटू ये हमारा हो जाएगा 1/3 की पावर 12 और x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 12 क्योंकि हमारा रूट का मतलब 1/2 पावर होती है और ऊपर 12 पावर ऊपर 2 से ये कट गया 6 टाइम राइट माइनस से बाहर आ जाएगा सॉरी ये 12 पावर है माइनस से इवन बन जाएगा फिर ये पावर इवन है तो प्लस हो जाएगी तो ये नेगेटिव साइन हट जाएगा यहां से नेगेटिव साइन हटा के इसे फैक्टर एक्सपेंड करेंगे 18 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 12 फैक्टोरियल ओवर 12 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 आगे ये हुआ मल्टीप्लाई 9 टू द पावर 6 इनटू x टू द पावर 6 इनटू ये भी हमारा 9 टू द पावर 6 ही हो जाएगा ये भी क्योंकि ये 3 इनटू 2 3 की पावर लिख देंगे 12 को 2 इनटू 6 राइट ये हो जाएगा 3 का मतलब 3 की पावर 2 होल टू द पावर 6 राइट 3 टू द पावर यानी 9 टू द पावर 6 हो गया ये आई मीन हमारा जो एक्सप्रेशन है ये भी 9 टू द पावर 6 x की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/9 टू द पावर 6 और x की पावर 6 इससे ही पूरा पूरा कट गया इसे सिंपलीफाई कर लीजिए 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कट गया आगे देखते हैं 6 3 जा 18 3 से ये 3 कट गया फिर आपका 5 3 जा 15 आपका 4 2 जा 8 8 2 जा 16 आपका कितना बचा 17 मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13 इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए दिस इज द टर्म ऑफ एक्सप्रेशन आपका टर्म आ जाएगा 18 5 6 4 18 5 6 4 दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस दिस इज द 13th टर्म ऑफ दिस ये हमारा हो जाएगा 18 5 564 After that, your question number 7, in which we have to find the middle term in the expansion of. ये जो 7 और 8 में आपको एक्सप्रेशन दिए हुए हैं इनके आपको मिडिल टर्म फाइंड करने हैं आप देखेंगे यहाँ पर सिंस n इक्वल टू 7 है आपका इंप्लाई दैट n प्लस 1 बिकॉज द नंबर ऑफ टर्म्स में n प्लस 1 होंगे n प्लस इक्वल टू 7 प्लस 1 इक्वल टू 8 व्हिच इज इवन ठीक है देयर आर टू मिडिल टर्म्स देयर विल बी टू मिडिल टर्म पहला हमारा होगा 8 बाई टू एंड 8 बाई टू प्लस 1 टर्म 8 बाई टू करेंगे तो आपको हो जाएगा टी फोर फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म टी फिफ्थ हैव टू फाइंड
अब आपका देखिए सिंस टी आर प्लस वन इक्वल टू होता है एनसीआर ए टू दी पावर एन माइनस आर बी टू दी पावर आर, इसी बेस पे ये हमारा टी फोर क्या हो जाएगा टी थ्री प्लस वन इक्वल टू जहां एन है वहां सेवन होगा सी थ्री, आर है वहां पर जहां आर है वहां थ्री होगा राइट। हाँ यानी सेवन सी थ्री इंटू थ्री टू दी पावर सेवन माइनस थ्री इंटू बी, बी की जगह क्या होगा माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब अपॉन सिक्स एक्स क्यूब अपॉन सिक्स और होल टू दी पावर आर यानी थ्री ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे इसको टी फोर हमारा सेवन सी थ्री, सेवन फैक्टोरियल ओवर थ्री फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल और इंटू थ्री टू दी पावर सेवन थ्री का फोर बचा मल्टीप्लाई, ये इवन पावर है तो नेगेटिव साइन आएगा साथ में माइनस एक्स टू दी पावर नाइन और सिक्स का क्यूब हमारे इतना हो जाएगा सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स और थर्टी सिक्स सिक्स जा टू हंड्रेड सिक्सटीन हो गया ये। आगे सॉल्व करेंगे इसको ठीक है, सेवन फैक्टोरियल को एक्सप्रेस करेंगे सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल ओवर थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई फोर फैक्टोरियल, ये थ्री टू दी पावर फोर काउंटर हुआ एट्टी वन ठीक है, मल्टीप्लाई माइनस एक्स टू पावर नाइन ओवर टू हंड्रेड सिक्सटीन, आगे से नाइन से कट कर देंगे नाइन नाइन जा एट्टी वन नाइन टू जा एटीन नाइन फोर जा थर्टी सिक्स, आगे थ्री से कट कर देंगे थ्री थ्री या नाइन थ्री एट जा ट्वेंटी फोर, फिर देखते हैं देखिए फोर फैक्टोरियल से फोर फैक्टोरियल कट गया और थ्री टू या सिक्स थ्री टू या सिक्स कट गया आपका क्या बचा वही कोफिशिएंट हो गया आपका देखिए सेवन फाइव थर्टी थर्टी थ्री जा सेवन फाइव थर्टी फाइव थर्टी फाइव थ्री या वन हंड्रेड फाइव वन हंड्रेड फाइव हो गया और ओवर एट और माइनस ये वाला और एक्स की पावर नाइन जिसे जब फोर्थ टर्म हो जाएगा ये हमारा इसका फोर्थ टर्म हो गया वन हंड्रेड फाइव अपॉन एट एक्स टू दी पावर नाइन। अब इसका सेकंड मिडिल टर्म आपको निकालना है टी फाइव, टी फाइव पर तुम्हारा क्या हो जाएगा टी फाइव का उत्तर टी फोर प्लस वन, इसे एक्सप्रेस करेंगे तो सेवन सी फोर और इंटू थ्री टू दी पावर सेवन माइनस फोर इंटू माइनस एक्स की पावर थ्री अपॉन सिक्स और टू दी पावर फोर, एक्सपेंड कर दीजिए इसे सेवन सी सिक्स इसको तो सेवन फैक्टोरियल ओवर फोर फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल ठीक है, आगे मल्टीप्लाई थ्री टू दी पावर थ्री फोर सेवन फोर गया थ्री बचा इंटू ये इवन पावर प्लस हो जाएगा और एक्स की पावर ट्वेल्व ओवर सिक्स की पावर फोर आगे सॉल्व करते हैं इसको सेवन मल्टीप्लाई सिक्स मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फोर फैक्टोरियल ओवर फोर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई एक्स की पावर ट्वेल्व ओवर सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स फोर टाइम, देखिए हमारा थ्री टाइम थ्री से ये सिक्स थ्री टाइम कटेगा टू टाइम ठीक है, आगे फोर फैक्टोरियल से फोर फैक्टोरियल कटेगा थ्री टू या सिक्स से सिक्स कटेगा, अब आपका क्या बचा वो देख लीजिए सेवन फाइव या थर्टी फाइव पर कुछ नहीं बचा गया थर्टी फाइव ओवर टू टू या फोर फोर टू या एट एट सिक्स या फोर्टी एट
48 और x की पावर 12, दिस इज द मिडिल टर्म ऑफ सेकंड, यानी t 5th टर्म आपका हो जाएगा ये 35 / 48 x टू द पावर 12। आफ्टर दैट इन एथ पार्ट, इसमें भी आपको मिडिल टर्म आपको निकालना है, इसमें आपका मिडिल टर्म चाहिए तो आप देखेंगे n इक्वल टू कितना है, 10 है, n इक्वल टू 10 इंप्लाइज दैट n प्लस 1 निकालेंगे तो n प्लस 1 इक्वल टू इवन, यानी 11 दैट इज ऑड, ऑड हो गया, तो देयरफॉर मिडिल टर्म हमारा क्या हो जाएगा, इलेवन प्लस वन बाई टू यानी सिक्स टर्म, टी सिक्स आपको फाइंड करना, दैट इज जनरल टर्म आप देखेंगे सिंस टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर ए टू दी पावर एन माइनस आर बी टू दी पावर आर, इसी तरीके से आपका टी सिक्स दिस इज टी फाइव प्लस वन इक्वल टू जहाँ एन है वहाँ टेन हो जाएगा, टेन सी फाइव a टू दी पावर n दिया टेन माइनस फाइव, सॉरी की जगह आपका आएगा x अपॉन थ्री, एक्स अपॉन थ्री होल टू दी पावर हो जाएगा यानी टेन माइनस फाइव इंटू बी की जगह नाइन वाई होल टू दी पावर r यानी फाइव। आगे इसको सॉल्व करते हैं, आपका कोफिशिएंट मिल यानी जो टर्म मिल जाएगा आपका मिडिल टर्म इसका, सॉल्व कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा 10 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल फिर 5 फैक्टोरियल इनटू x अपॉन 3 होल टू द पावर 5 और इनटू 9 टू द पावर 5 और y टू द पावर 5। आगे सॉल्व करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल होल अपॉन 5 4 3 2 1 5 फैक्टोरियल, ये हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई x की पावर 5 ओवर 3 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 5 इंटू y की पावर 5, देखिए 3 पावर 5 से कट करेंगे तो 3 की पावर 5 आएगा आपका, तो 3 की पावर मतलब 3 इंटू 3 होल की पावर 5 होगा, जैसे 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 ये कटेगा तो 3 पावर 5 बच जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, आगे देखेंगे 3 टू या 6 से 3 टू या 6 कट गया और 4 टू या 8 टू टाइम कट गया, टू या टेन टू टाइम क्या बच्चा वो लिख दीजिए आप 35 नहीं 3 पावर 5 में, चल 9 टू या 18 टू टू या 4 4 9 या 36 मल्टीप्लाई 7 और 3 की पावर 5 3 की पावर 5 का मतलब हुआ 243, 3 पावर 5 का मतलब 243 और इनटू x की पावर 5 इनटू y की पावर 5 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा इसका, यानी हमारा हो गया 36 इनटू 7 243 x की पावर 5 y की पावर 5, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 612 36 x की पावर 5 और y की पावर 5, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिस इज द मिडिल टर्म ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। आफ्टर दैट योर क्वेश्चन नंबर 9 इन विच सेइंग दैट इन एन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस a रेस्ट टू द पावर m प्लस n प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर m एंड a टू दी पावर n आर इक्वल, इन दिस एक्सप्रेशन हमें ये प्रूव करना है कि a की पावर m और a की पावर n के कोफिशिएंट सेम है, तो पहले हम जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसका हम जनरल टर्म लिखते हैं, ठीक है, सिंस जनरल टर्म
टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी, यानी इसके लिए क्या हो जाएगा एम प्लस एन सी आर राइट, और ए टू दी पावर आर। अब आपको अगर चाहिए, आपको अगर कोफिशिएंट चाहिए ए की पावर एम, इट मीन्स ए की जगह आर की जगह एम आना चाहिए, तो आप क्या लिख देंगे यहां पुट आर इक्वल टू एम। देन जब आर इक्वल टू एम लिखेंगे तो टी एम प्लस वन इक्वल टू हो जाएगा एम प्लस एन और सी एम और ए टू दी पावर एम। सो कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ए टू दी पावर एम कोफिशिएंट ऑफ ए टू दी पावर एम इक्वल टू एम प्लस एन और सी एम। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा एम प्लस एन फैक्टोरियल ओवर एम फैक्टोरियल, और एम प्लस एन से एम माइनस कर देंगे तो फिर एन फैक्टोरियल राइट। ये हो गया। इसके बाद दूसरा लेते हैं पुट आर इक्वल टू एन, बिकॉज जब हमें ए टू दी पावर एन का कोफिशिएंट चाहिए तो ए की पावर एन होना चाहिए, ए की पावर एन होता भी होगा जब आर के प्लेस पर एन आ जाएगा, तो हमारा टी एन प्लस वन इक्वल टू एम प्लस एन सी एन और ए टू दी पावर एन। नाउ कोफिशिएंट ऑफ ए टू दी पावर एन ऑफ ए टू दी पावर एन इक्वल टू क्या आ जाएगा एम प्लस एन फैक्टोरियल, सॉरी इसका कोफिशिएंट होगा एम प्लस एन सी एन। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा एम प्लस एन फैक्टोरियल ओवर एन फैक्टोरियल इंटू एम प्लस एन में से एन माइनस करेंगे तो एम बचेगा केवल, यानी एम फैक्टोरियल। अब आप देखेंगे दोनों का एम प्लस एन फैक्टोरियल और ये एन फैक्टोरियल एम फैक्टोरियल, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं इसलिए मल्टीपल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए दोनों का कोफिशिएंट कैसा है, यानी कोफिशिएंट ऑफ ए टू द पावर एम इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ ए टू द पावर एन, यानी दोनों को कोफिशिएंट इक्वल है। हेंस कोफिशिएंट ऑफ ए टू द पावर एम एंड ए टू द पावर एन आर इक्वल। दोनों के कोफिशिएंट इक्वल है। आफ्टर दैट इन क्वेश्चन नंबर 10 सेइंग दैट द कोफिशिएंट ऑफ द आर माइनस वन कॉमा आर्थ टर्म एंड आर प्लस वन टर्म इन एक्सपेंशन एक्स प्लस वन रेस्ट टू द पावर एन आर इन द रेशियो 1:3:5 फाइंड एन एंड आर। तो एन और आर को आपको फाइंड करना है जब इनके इन टर्म्स के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देखिएगा, पहले तो आपको जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स प्लस वन इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस एक्स रेस्ट टू द पावर एन। अब इसका जनरल टर्म लिखते हैं, अगर आप इसका जनरल टर्म टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर एक्स टू दी पावर आर राइट। अब आपको चाहिए इसका जो टर्म चाहिए वो चाहिए आपको आर माइनस वन टर्म, यानी आपको चाहिए टी आर माइनस वन, इसे लिख सकते हैं टी आर माइनस टू प्लस वन, तभी तो आपका मान मान बचेगा। अब हमारा ये हो गया पूरा, इतना हो गया आर की जगह आर प्लस वन, तो हम इसको क्या लिख देंगे एन सी आर माइनस टू, यहां पर आर है वहां आर माइनस टू हो गया आपका राइट।
और इनटू एक्स टू दी पावर आर माइनस टू। ठीक है, अब इसका कोफिशिएंट हमारा कितना हो गया है? इसके बाद दूसरा टर्म, चलिए बाद में एक साल लिख लेंगे। दूसरा है हमारा टी आर्थ, आर्थ टर्म निकालना है और आर प्लस वंथ निकालना है, यानी टी आर। टी आर को आप लिख सकते हैं टी आर माइनस वन प्लस वन, राइट। अब आ रहा है वहां पर आर माइनस वन आ जाएगा, एन सी आर माइनस वन एक्स की पावर आर माइनस वन। अगर टी आर प्लस वन करते हैं तो ये तो हम पहले से निकाल चुके हैं, टी आर प्लस वन भी चाहिए ना, टी आर प्लस वन भी चाहिए, तो ये हमारा पहले से निकाल चुके हैं। टी आर प्लस वन क्या है? एन सी आर और एक्स टू दी पावर आर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेशियो ऑफ देयर कोफिशिएंट्स, इनके कोफिशिएंट का रेशियो क्या है? एन सी आर माइनस टू रेशियो, एन सी आर माइनस वन रेशियो, एन सी आर इक्वल टू क्या रेशियो दिया है? 1:3:5 एंड हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एंड एन, वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम फर्स्ट रेशियो ले लेंगे, फिर सेकंड आर, कोई भी दो रेशियो लेकर हमारी इक्वेशन बन जाएगी। टेकिंग एन सी आर माइनस टू ओवर एन सी आर माइनस वन इक्वल टू 1/3, 1:3 का, ठीक है। इसे लिख देंगे हम एन फैक्टोरियल ओवर आर माइनस टू फैक्टोरियल ब्रैकेट एन माइनस आर प्लस टू फैक्टोरियल, क्योंकि माइनस करेंगे जैसे आपका एन माइनस आर माइनस टू ब्रैकेट खोलेंगे प्लस हो जाएगा ना, इसलिए आर माइनस प्लस टू हो गया आपका, राइट। इस तरीके से और होल अपॉन दूसरे वाले को ऐसे करेंगे तो एन फैक्टोरियल ओवर आर माइनस वन फैक्टोरियल ब्रैकेट एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इक्वल टू हो गया 1/3। आगे सॉल्व करते हैं, जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखिए इसका डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर बन जाएगा, दोनों का न्यूमरेटर सेम है एन फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल आप कट कर दीजिए, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा और आपको बन जाएगा आर माइनस वन फैक्टोरियल ब्रैकेट एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, ठीक है। ओवर ये नीचे आ जाएगा आपका दूसरा वाला जो भी है आर माइनस टू फैक्टोरियल और ये एन माइनस आर प्लस टू फैक्टोरियल इक्वल टू आपका है 1/3। सॉल्व करेंगे यहां से, इसे आर माइनस वन फैक्टोरियल को आप देख सकते हैं आर माइनस वन और आर माइनस टू फैक्टोरियल, राइट। और इसे आप ऐसे रहने देंगे एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल ओवर ये आपका आर माइनस टू फैक्टोरियल ऐसे ही रहेगा और ये आपका एक्सपेंड हो जाएगा आर माइनस एन माइनस आर प्लस टू ब्रैकेट एक इसमें कम हो जाएगा एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, ठीक है। अब आप देखिए इस फैक्टोरियल से ये फैक्टोरियल कट गया और ये आर माइनस टू फैक्टोरियल से आर माइनस टू फैक्टोरियल कट गया, इक्वल टू आपका 1/3 पहले से चल रहा है। अब आपके पास बचा क्या? बचा आर माइनस वन अपॉन एन माइनस आर प्लस टू इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीपल करेंगे आप यहाँ तो आपको मिलेगा 3r-3 इक्वल टू एन माइनस आर प्लस टू, थ्री इधर कर दीजिए नंबर इधर कर दीजिए, 3r-n प्लस आर इक्वल टू 3 + 2 + 3। सॉल्व करेंगे आप 4r-n इक्वल टू 5,
दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अभी आपने फर्स्ट पार्ट लिया था, ये अब सेकंड और थर्ड, यानी फर्स्ट और सेकंड लिए थे, अब सेकंड और थर्ड ले लेंगे। तो लेंगे टेकिंग एन सी, आर माइनस वन ओवर एन सी आर इक्वल टू 3/5। सॉल्व करेंगे सेम उसी तरीके से, एन फैक्टोरियल ओवर आर माइनस वन फैक्टोरियल और एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल होल अपॉन एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल ब्रैकेट एन माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 3/5। सेम उसी तरीके से एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल दोनों काट सकते हैं आप। ऊपर वाले का डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा और नीचे वाले का डिनोमिनेटर ऊपर पहुंच जाएगा। अभी सॉल्व करेंगे इसको, ऊपर हो गया आपका आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल होल अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल और एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इक्वल टू 3/5। अभी सॉल्व करेंगे आर फैक्टोरियल लिख देंगे आर ब्रैकेट आर माइनस वन फैक्टोरियल और ये हमारा एन माइनस आर फैक्टोरियल होल अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल और ये हमारा हो जाएगा एन माइनस आर प्लस वन, तो ये कम कर देंगे तो एन माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगा इक्वल टू 3/5। ठीक है, अब हमारा ये सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए आर माइनस वन फैक्टोरियल से आर माइनस वन फैक्टोरियल कट गया, एन माइनस आर फैक्टोरियल से एन माइनस आर फैक्टोरियल कट गया, आपका बचा आर अपॉन एन माइनस आर प्लस वन इक्वल टू 3/5। क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे आप यहाँ, देन वी गेट 5R इक्वल टू 3N माइनस 3R प्लस 3। आर इधर ले आइए, 5R माइनस 3N प्लस 3R इक्वल टू 3। अभी सॉल्व करेंगे 5 और 3 8R हो गया माइनस 3N इक्वल टू 3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां देखिए n आ रहा है, यहां पर 3n आ रहा है, तो आप इसमें 3 से मल्टीपल कर लीजिए, यानी मल्टीपल बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में मल्टीपल करोगे 3 से तो 3 फोर जा 12 r माइनस 3n इक्वल टू 15। इक्वेशन नंबर थर्ड, और ये सेकंड वाला ऐसी कॉपी कर लेंगे 8R माइनस 3N इक्वल टू 3। आगे सबट्रैक्ट करेंगे आप इसको, यहां सबट्रैक्ट करें तो ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये कट गया 8R में 12R में से 8 गया तो 4R बचा और 5 में से 15 में से 3 गया तो बचा आपका 12। दैट इज R इक्वल टू हमारा कितना हो गया 12/4, that's why R equal to 3। R equal to 3 किसी क्वेश्चन में रखेंगे आप, किसी में रख सकते हो, इसमें भी आ सकते हो, तो फर्स्ट में रख दीजिए, put in first, फर्स्ट में put कर दीजिए, तो यहाँ से आपका n निकल आएगा। फर्स्ट में रखेंगे तो आपको हो जाएगा 4 into 3 माइनस एन इक्वल टू 5, तो 4 3 12 माइनस 5 इक्वल टू एन, तो आपका एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन इक्वल टू का आपका 12 माइनस 5 होगा 7, दैट इज एन इक्वल टू 7 एंड आर इक्वल टू 3। आफ्टर दैट योर क्वेश्चन नंबर 11 in which saying that prove that the coefficient of x to the power n in the expansion of 1 plus x to the power 2n is twice the coefficient of x to the power n in the expansion of 1 plus x raised to the power 2n minus 1। यानी हमें ये प्रूव करना है कि
इसका जो कोफिशियंट एक्स की पावर एन में इसका जो कोफिशियंट है वो इसके कोफिशियंट का ट्वाइस है, ठीक है। इट मीन्स हमें दोनों एक्सप्रेशन में एक्स की पावर एन के कोफिशियंट फाइंड करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द जनरल टर्म फॉर बोथ एक्सप्रेशन, तो लिखेंगे आप सिंस टी ऑफ वन प्लस एक्स की पावर टू एन दैट इज टी आर प्लस वन इक्वल टू टू एन सी आर और एक्स की पावर आर, राइट। अब अगर आप यहाँ एक्स की पावर एन चाहते हैं कोएफिशिएंट तो एक्स की जगह आर की जगह एन रखना पड़ेगा, पुट आर इक्वल टू एन हो जाएगा टी एन प्लस वन इक्वल टू टू एन सी एन एक्स टू दी पावर एन, ठीक है। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन कितना हो गया, ट्वाइस एन सी एन, इसको आप फैक्टोरियल से एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा टू एन फैक्टोरियल ओवर एन फैक्टोरियल और टू एन माइनस एन करेंगे तो एन ही बचेगा, एन फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। इसे यही छोड़ देंगे इसको, यानी आप यहां इधर लिख दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, टू एन फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल टू एन माइनस एन एन फैक्टोरियल, ठीक है। अब आगे हम दूसरे वाले एक्सप्रेशन देखते हैं। सेकंड एक्सप्रेशन के लिए जनरल टर्म ऑफ वन प्लस एक्स प्लस टू की पावर टू एन माइनस वन हो जाएगा हमारा टी आर प्लस वन इक्वल टू 2n माइनस वन सी आर और एक्स की पावर आर। अब पुट आर इक्वल टू एन, तो हमारा टी एन प्लस वन इक्वल टू टू एन माइनस वन सी एन एक्स की पावर एन। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन क्या हो जाएगा, ट्वाइस एन माइनस वन सी एन से आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, टू एन माइनस वन फैक्टोरियल ओवर एन फैक्टोरियल ब्रैकेट टू एन माइनस एन माइनस करें तो एन माइनस वन फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। एन फैक्टोरियल और एन माइनस वन फैक्टोरियल हो गया, ये हो जाएगा आपका, हमने इसका कोएफिशिएंट एक्स पावर एन निकाल लिया तो हमारा आया टू एन सी आया हमारा टू एन सी एन, यानी फर्स्ट वाले का कोएफिशिएंट आया हमारा टू एन सी एन, ठीक है। इसके बाद दूसरे का कोएफिशिएंट निकाला तो हमारा आया टू एन माइनस वन सी एन, अब इसमें मल्टीपल बाई एन कर दीजिए ऑन बोथ साइड, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप एन से मल्टीपल कर दीजिए एन अपॉन एन,
तो आपको हो जाएगा 2n-1, ठीक है, n ब्रैकेट 2n-1 और ओवर n ब्रैकेट 2n-1 फैक्टोरियल हो गया, और ये आपका होगा, इससे मल्टीपल होगा तो n फैक्टोरियल, और n n-1 करेंगे, इसको मिलाएंगे कितना बन जाएगा n फैक्टोरियल, ठीक है। अब आप देखिएगा यहाँ पर क्या है, 2n फैक्टोरियल है, यहाँ भी 2n फैक्टोरियल बन सकता है अगर यहाँ 2 से मल्टीपल कर दिया जाए तो, ठीक है। अगर आप 2 से मल्टीपल करते हैं यहाँ तो क्या हो जाएगा, हमारा जो उधर लिखा हुआ है एन, अगर उसको एक्सपेंड करें इसकी तरह लाएंगे तो आपको क्या लिखेगा, अगर इसे लिखेंगे तो 2n ब्रैकेट, देखिए जो ये आपका कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है वो हो जाएगा 2n ब्रैकेट 2n-1 फैक्टोरियल, यानी 2n फैक्टोरियल को हम 2n 2n-1 फैक्टोरियल ले सकते हैं। इसका मतलब ये ओवर में तो वही आएगा n फैक्टोरियल दोनों का सेम है, बस इसमें और इसमें अंतर क्या है, इस वाले में n और उसमें 2n। अब देखेंगे ये वाला जो कोफिशिएंट हमारा जाया n 2n-1 फैक्टोरियल n 2n-1 फैक्टोरियल ओवर, ये केवल अंतर ये कि इसमें 2 आ रहा है, इट मींस ये हुआ कोफिशिएंट ऑफ दिस एक्स पावर n इन दिस एक्सप्रेशन इज ट्वाइस, यानी ये वाला जो कोफिशिएंट है वो इस कोफिशिएंट से डबल हो गया, राइट। तो यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था, ठीक है। आपने यहाँ पर ये ध्यान रखे मल्टीपल बाई एन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में एन से मल्टीपल कर दिया गया है, मल्टीपल कर देंगे तो फिर उसके बाद ये आ जाएगा, हेंस कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन इन 1 एक्स की पावर 2n इज ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n इन 1 एक्स की पावर 2n-1 1 x^2n-1 that we had to prove. After that our question number 12 in which saying that find a positive value of m for which the coefficient of x square in expansion 1 x^m is 6, यानी इसमें आपको m की value find करनी है जब इस expansion में जो x का कोफिशिएंट x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 6 है। तो पहले इसे जनरल टर्म में लिखते हैं, जनरल टर्म PR+1 = NCR और x^r, और यहां पर m आएगा क्योंकि यहां m है, ठीक है। आगे हमारा क्या हो जाएगा, हमें चाहिए x की पावर, क्या चाहिए, x की पावर 2 चाहिए, ठीक है। तो पुट r = 2, तो ये होगा t2+1 = mc2 और x^2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी nc2 = 6, mc2 क्या है, 6 है, सॉल्व कर दीजिए mc2 को, m फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल ब्रैकेट m-2 फैक्टोरियल = 6/1, इसे एक्सपेंड करेंगे तो m ब्रैकेट m-1 ब्रैकेट m-2 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल m-2 फैक्टोरियल = 6/1, m-2 से m-2 फैक्टोरियल कट जाएगा और ये आपका होगा 6/1। आगे 2 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर देंगे, ये हो जाएगा m²-m/2 फैक्टोरियल, हमारा 2 मल्टीप्लाई 1 होगा यानी ओनली 2 हो जाएगा,
इक्वल टू 6 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे यहाँ पर तो हमारा कितना होगा एम स्क्वायर माइनस एम इक्वल टू 6 2 12 कैंसिल कर लेंगे एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 12 इक्वल टू 0 आगे 12 को ऐसे रखते जिनका माइनस करने पर बना है 4 3 है 12 एम स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 एम माइनस 12 इक्वल टू 0 एम स्क्वायर माइनस 4 एम माइनस 3 एम प्लस 3 एम माइनस 12 इक्वल टू 0 एम कॉमन लेंगे एम माइनस 4 तो 3 कॉमन लेंगे एम माइनस 4 इक्वल टू 0 तो आपका यहाँ एम माइनस 4 कॉमन लेंगे बचेगा एम प्लस 3 फैक्टराइज हो गया है ये फैक्टराइज करने के बाद एक एक बारी में लेंगे तो एम इक्वल टू 4 आएगा दूसरा एम इक्वल टू माइनस 3 आएगा ये आपका नेगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि एम की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती इसकी वैल्यू ठीक है इस तरह से एम इक्वल टू हमारा कितना होगा आंसर एम इक्वल टू 4 विद इट योर एक्सेप्शनिस्ट आज के लिए वीडियो में इतना ही फिर जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक एवं शेयर करें बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपका सही वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो हैव ए गुड डे